नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के साथ जो प्रेजेंट करने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने फायर्स का अकाउंट ओपन करा हुआ है और मैंने फायर्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो कैसे आपको यूज़ कर सकते हैं इसमें वेरियस बेनिफिट्स क्या हैं उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आया तो आप यहाँ पर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मैं दोबारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ फायर्स पे। सो यहां पर एक चैलेंज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि है 30 डेज चैलेंज। 30 डेज चैलेंज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहां देख सकते हैं कि जब आप फायर्स का टर्मिनल ओपन करेंगे तो आपको ऊपर टॉप साइड में एक 30 डेज चैलेंज दिख रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपना चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। बट चैलेंज स्टार्ट करने से पहले हमें पता करना है कि ये चैलेंज है क्या, इसके फायदे क्या हैं। तो अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे सो आप इस टर्मिनल पे आ जाएंगे। इस टर्मिनल पे आपको मैं बताता हूं कि ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है और किस तरीके से आपको फोकस रहने में ये मदद करता है। यस गाइस, जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी मार्केट में नए हैं, कुछ टाइम हुआ है उन्हें मार्केट पे आए हुए, वो ये पर्टिकुलर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या मैं 30 डेज के अंदर अंदर मार्केट से प्रॉफिटेबल निकलता हूं। और उसकी वजह से जो उनका माइंडसेट होता है वो पूरा का पूरा वेल फोकस्ड रहता है प्रॉफिट अर्न करने में एट द मंथ ऑफ एंड। अब आप यहां देख सकते हैं अगर मैं नीचे हल्का सा स्क्रोल करता हूं तो ये 30 डेज चैलेंज करने के लिए फायर्स हमें क्या बेनिफिट दे रहा है। आप ये लाइन को फोकस्डली पढ़ सकते हैं, आप देखिएगा, If you trade profitably for a period of 30 days, your brokerage will be refunded. Yes guys, अगर आपको 30 days तक यहाँ पर trade करना है फायर्स के थ्रू, आप 30 days तक trade करेंगे, for example आपने 29 days तक trade करा और आपको total loss हुआ 200 rupees का, आपने 30th days को trade करा और आपको profit हुआ 500 rupees का, तो इन टोटल आपको 30 डेज के अंदर कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बट आपने जो पूरे 30 डेज के पीरियड में जितना लॉस करा था और उस लॉस में भी तो आपने ब्रोकरेज दी थी, जो आपने 30 डेज के अंदर ब्रोकरेज दी थी वो पूरी आपको फायर्स रिफंड कर देगा। यस गाइस, आपको पूरा का पूरा अमाउंट ब्रोकरेज का रिफंड कर देगा। आप ये बात नोट करिए, लॉस आपको रिफंड नहीं करा जाएगा, आपको आपकी ब्रोकरेज रिफंड करी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो माइंड होता है वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि या मुझे एट द मंथ ऑफ द एंड मुझे प्रॉफिटेबल निकलना है। सो उस वजह से आप लोग बहुत कॉशियसली ट्रेड करते हो, प्लानिंग के साथ ट्रेड करते हो। सो जो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ये उसके लिए बहुत बढ़िया चैलेंज है। प्लस ये आपको एक एडवांटेज और देता है। एडवांटेज और क्या देता है, आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाता है अगर आप लोग ये चैलेंज को जीतते हैं। या गाइस अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप का आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है और ये सर्टिफिकेट आपको एक रिकग्नाइज करवाया जाता है कि या आपने एट द मंथ ऑफ द एंड एक प्रॉफिट अर्न करा। ओके, सो अब थोड़ी बहुत कंडीशंस है कि आपको ये इसमें किस तरीके से चैलेंज वर्क करता है, तो वो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड होता है, जो मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप 5th of November को, अगर आप 5th of November को आप पे कर आप स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, तो यहाँ से 30 डेज तक आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा और 30 डेज के अंदर जो भी आपने प्रॉफिट अर्न करोगा, इन दी एंड अगर आप प्रॉफिट में निकले होंगे ओवरऑल, तो आपको जो भी ब्रोकरेज होगी वो रिफंड कर दी जाएगी, प्लस आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, अब लोअर लिमिट ब्रोकरेज रिफंड करने की कोई नहीं है, बट अपर लिमिट जो है वो 10,000 rupees पर चैलेंज है, मतलब 10,000 rupees तक का भी वो ब्रोकरेज आपको रिफंड कर सकती है। यस गाइस, एक फोर्थ पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, प्रोफिटेबिलिटी इज कैलकुलेटेड अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। अगर आप फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जाएंगी। बट अगर आप कोई पोजीशन को होल्ड करके लेकर जा रहे हैं इक्विटी डिलीवरी या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, तो वो इस पर्टिकुलर चैलेंज में एक्सेप्ट नहीं होगा। या
क्योंकि वो इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं लेते, म्यूचुअल फंड्स में नहीं लेते, तो वहाँ पर ये चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सो अगर आप यहाँ पर इंट्राडे या ऑप्शंस या फ्यूचर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ पर आपका जो भी ब्रोकरेज होगा वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रोकरेज रिफंड टू द विनर्स विल बी प्रोसेस्ड ऑन और बिफोर द 10th ऑफ एवरी मंथ। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लिया और ट्रेड आपका जो 30 डेज चैलेंज था वो फिनिश हो गया अराउंड 5th ऑफ दिसंबर को, तो 10th ऑफ दिसंबर तक या उसके आसपास तक आपको विनर भी अनाउंस कर दिया जाएगा और जो भी ब्रोकरेज रिफंड का प्रोसेस होता है वो भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप जब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आएंगे आपको स्टार्ट चैलेंज करना है। आप जैसे ही स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे ये पर्टिकुलर कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाएगी कि स्टेटस एक्टिव हो चुका है, टाइम स्टार्ट टाइम हो गया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 5th of November 2020 एंड एंड हो जाएगा आफ्टर 30 डेज। फिर यहाँ पर आप ट्रेड करते रहेंगे आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पर स्टोर आएगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं कहूँगा जो लोग भी अभी 2-3 महीने हुए हैं उन लोगों को आए वेले वो सबसे ज़्यादा फोकस करें इस पर्टिकुलर चैलेंज में कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस पता चल जाए कि आप किस तरीके से मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं और किस तरीके से आपको प्रॉफिट हो रहा है एट द ऑफ द एंड ऑफ द मंथ कि नहीं हो रहा, ठीक है गाइस। सो ये था एक बेसिकली 30 डेज चैलेंज में, आई होप कि आप लोग करेंगे। और मैं बेसिकली यूट्यूब पे एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े टाइम में कि मैं 30 डेज चैलेंज भी स्टार्ट करूँगा और आपके साथ हर दिन वो वीडियोस भी शेयर करी जाएंगी। सो या उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करिए कि मैं आपके साथ भी जुड़ूँ। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे नेक्स्ट दिन। मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।